23 नवंबर 2023 साल की सबसे बड़ी देवउठनी एकादशी भूलकर भी ना करें ये पांच काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में देवउठनी या देवउठान एकादशी किस दिन है, ऊर्जा व पारण का शुभ मुहूर्त और इस दिन वर्जित माने जाने वाले कार्यों के बारे में। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवउत्थान, देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यह साल में आने वाली सभी एकादशियों में सर्वोपरि मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन दान यज्ञ आदि करने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार माह के शयन के बाद जागेंगे। आइए जानते हैं साल 2023 में देवउठनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन कौन से कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। व्रत की पालन का समय होगा 24 नवंबर प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 नवंबर को शाम 7:06 पर। आइए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि चावल खाने से शरीर में आलस बढ़ता है और मन भक्ति में नहीं लगता। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चावल में जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसके सेवन से शरीर में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिस कारण शरीर में चंचलता बढ़ने लगती है। ऐसे में एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद ना सोएं। शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन देर तक सोना वर्जित होता है। बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखकर तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। विशेषकर व्रत करने वाले को इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा और तुलसी विवाह करना चाहिए। इसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति की चुगली, झूठ बोलना या फिर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मन दूषित होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी दूषित मन से भक्ति नहीं की जाती, क्योंकि इससे व्यक्ति को पूजा पाठ और व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तामसिक भोजन ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के दौरान सात्विकता का खास ख्याल रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से व्यक्ति के मन में काम भावना बढ़ने लगती है, जिससे मन अशुद्ध होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और शालिग्राम पर विवाह होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।